अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद शिरीन काजी। आज हम बना रहे हैं फिश करी, तो चलिए इसकी रेसिपी भी देख लेते हैं। देखिए मैंने अभी इधर कढ़ाई रख लिया है, कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। अभी हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। अभी हम इसको एक मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। देखिए अच्छे से पक चुका है टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच दही। दही को भी अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए दही अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी। अभी हम डालेंगे 2 चम्मच इमली का पानी। अच्छे से मिक्स कर लें इसको भी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अभी हम इसको उबाल आने तक ढककर पका लेंगे। देखिए पानी अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे फिश के पीस। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। देखिए अच्छे से पक चुका है। अब हम पलट कर दूसरी तरफ भी अच्छे से पका लेंगे इसको। अभी हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके और 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे हम। देखिए फिश माशाल्लाह अच्छे से पक चुकी है। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारी फिश करी बनके रेडी है। आपके मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज जरूर बताना और अपने घर पे भी जरूर ट्राई करना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।